तैयार नहीं होंगे? हमें पार्टी में जाने में देर हो जाएगी। किन ख्यालों में खोए हैं आप? क्या कहा तुमने? मैंने कहा तैयार हो जाइए, हमें पार्टी में जाना है। हीना, मैं चाहता हूं कि अगर तुम मेरे साथ ना ही आओ तो अच्छा। मगर क्यों? गैर मर्दों के बीच तुम जाओ, ये मुझे गवारा नहीं। सिर्फ यही वजह है या और कुछ भी? और कोई क्या वजह हो सकती? मुझे लग रहा है आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। हीना, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्या समझूं मैं? आपको आज एहसास हुआ है पर्दे का? मैं जाऊंगी। क्या करोगी वहां जाकर? पार्टी में जाके लोग क्या करते हैं? ठीक है, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे वाह, कितने प्यार से बुलाया है हमें अकरम ने, और आप हैं कि? हीना, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। अपने लिए ना सही, अकरम के लिए तो चलिए, उसे कितना बुरा लगेगा अगर हम नहीं गए तो। वो क्या है कि दरअसल मेरे सर में दर्द है, और वैसे भी मैं सिर्फ अकरम को विश करके वापस आने वाला था। तो ठीक है, हम दोनों अकरम को विश करके जल्दी ही लौट आएंगे। मुझे नहीं जाना है बस। छोटे मालिक, बड़े मालिक ने आपको बुलाया है। चलो, मैं तैयार हो रही हूँ, आप जल्दी ऊपर आकर तैयार हो लीजिए। आप ऐसे जाएंगे पार्टी में? जी। जी क्या? ऐसा लगता है तुम्हारा इरादा ही नहीं पार्टी में जाने का, तैयारी नहीं हुई अभी तक। जा रहे हो या नहीं? जी हाँ, जा रहा हूं। खैर भाई, हम लोग तो इस पार्टी में जाने से रहे। हमारी तरफ से ये बुके दे दीजिएगा अकरम को, और मुबारकबाद कहिएगा। जी जरूर। एक और बात कहनी है आपसे। पार्टी में दूसरे मेहमानों में उलझकर आप हिना को ना भूल जाइएगा। और समीर, किसी भी वजह से हिना का दिल मत दुखाना। जी। इस बात का ख्याल रहे कि हिना हमारे घर की इज्जत है, और आपको किसी गैर की इज्जत से ज्यादा अपने घर की इज्जत की परवाह रखनी चाहिए। समझ गए? जी हाँ, समझ गया। हेलो। अरे तुम लोग अभी तक निकले नहीं? मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। सारे मेहमान आ गए? अरे मेहमान तो आते रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तुम दोनों का इंतजार हो रहा है। देर तो मेरी वजह से हो रही है, समीर तो कब के तैयार हो गए हैं, बस मुझे ही तैयार होने में वक्त लग रहा है। हीना, तुम्हें तैयार होने की क्या जरूरत है? कुदरत ने तुम्हें बनाया इतना खूबसूरत है कि बनाओ श्रृंगार की तुम्हें जरूरत नहीं है। वैसे हया तो औरत का जेवर है ही, लेकिन उस पर थोड़ा श्रृंगार हो जाए तो क्या बुरा है। हाँ बस बस, अब ज्यादा देर मत करो और फौरन आ जाओ। बस अभी आए। अकरम, खुदा तुम्हें और तरक्की दे। आमीन। अकरम, हमें भी तो कंपनी दो यार। हाँ आया। एक्सक्यूज मी। या हाय, दरअसल मैं समीर और रूबी का इंतजार कर रहा था। ओ, आप लोग कुछ ठंडा लीजिए ना। वेट। थैंक यू। बस ठीक है, आई होप यू एंजॉयिंग द पार्टी। हाय समीर, आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। और मेरी तरफ से भी, अम्मी ने भी दुआएं भिजवाई हैं आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आओ। हाय समीर। हाय।
क्या बात है, बहुत देर लगा दिया आने में। ज्यादा तो अकरम को तुम्हारा इंतजार था। समीर को तो तुम सब लोग जानते हो, मैं इनसे तुम्हारा तारुफ कराता हूँ। ये है हीना, समीर की वाइफ। नमस्ते। नमस्ते। ओहो, आखिर पर्दे से चांद निकल ही आया। हीना, ये सब हमारे स्कूल के जमाने के साथ हुआ। आज इतनी मुद्दतों बाद वापस सब एक साथ जमा हुए हैं। समीर तुझे क्या हो गया, तू कहाँ का हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा, और किसे ढूंढ रहा है पार्टी में? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ हीना, याद है तुमने एक बार मुझसे रूबी के बारे में पूछा था, वो आज यहाँ पर आने वाली है। पता है क्या हुआ, समीर गोलकीपर था, अरे रूबी आ गई। एक्सक्यूज मी। आप रुक क्यों गए? जाइए, आप भी इस्तकबाल कीजिए रूबी का। वेलकम, खुशामदीद, सुस्वागत। बाहर में फूल भी खिलते, इसलिए इन्हें अपने साथ ले आई हूँ। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आज का ये दिन मुझे आप ही की बदौलत तो देखने मिला है। प्लीज कम, आई इंट्रोड्यूस यू टू द अदर गेस्ट्स। एक्सक्यूज मी, आई वांटेड टू मीट समबडी। ये है रूबी, और रूबी ये है विवेक, उनकी वाइफ, और ये है संजय। हेलो। एक्सक्यूज अस, प्लीज कम। आई होप यू एंजॉय हियर। ब्रिलियंट पार्टी। एक्सक्यूज मी, ये है रूबी, रूबी है मिस्टर जावेद फ्रॉम टीआर कंस्ट्रक्शंस, उनकी वाइफ। हाय। You're welcome. मैं तुम्हें किसी और से भी मिलवाना चाहता हूँ। रूबी, समीर को तुम जानती हो? इन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? रूबी, ये है हीना। आज मैं कितना खुशनसीब इंसान जो मेरी पार्टी में दो दो खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। और हीना, यही है रूबी। हेलो। मैं हाथ मिला नहीं सकती, मेरे हाथ खाली नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक पल में आपके हाथ खाली करवा देती हूँ, बस समीर से कहने की देरी। समीर, ये हुई ना बात, अब मुझे लगता है कि आप दोनों के भी हाथ खाली होने चाहिए। वेट अप, देयर यू गो, अब आप लोग बातें कीजिए। एक्सक्यूज मी फॉर। हाँ तो समीर साहब, आपकी बीवी बहुत खूबसूरत है, और हर खूबसूरत चीज को इंसान छोड़ नहीं सकता। इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। तुम्हारी बात अधूरी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर चीज जो ऊपर से खूबसूरत दिखती हो वो अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हो। और ऊपरी खूबसूरती के चाहने वाले को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लगता है कि समीर के साथ रहकर तुम बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख गई हो। इसके लिए तुम्हारी बातों में समीर की हिम्मत दिखाई देती है। तुम भी औरत हो, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं कि जब औरत को अपनी हिम्मत जुटानी हो तो वो किसी की मोहताज नहीं रहती। सुन लिया समीर, तुम्हारी बीवी के इरादे एक औरत के इरादों के मुकाबले में क्या है? तुम चुप क्यों समीर? तुम्हारे जबान पे ताले क्यों लग गए हैं? हीना, जरा इधर आना प्लीज। मैं अभी आई। चलती हूँ। सुनो रूबी, मेरे साथ जो तुम ये बेवफाई कर रही हो ना, वो मेरे दिल के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या है? मेरे अलावा तुमने किसी और के साथ शादी की, ये तुम्हारी पहली गलती थी।
जिसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारी दूसरी गलती तब थी जब तुमने हीना को तलाक दिया और फिर उसके साथ समझौता कर लिया, एक टूटते हुए रिश्ते को फिर से कायम कर दिया। कि मेरे साथ बेवफाई नहीं तो और क्या है समीर? एक तरफ तुम मेरे साथ प्यार का दावा करते हो और दूसरी तरफ तुमने अपनी पूरी जिंदगी हीना के नाम लिख दी। समीर, मेरे सीने में जो दिल है वो कोई खिलौना नहीं। जानता हूँ रोबी, अच्छी तरह से जानता हूँ और समझता भी हूँ, लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ किया है ना, वो कोई खिलवाड़ नहीं है। वो मेरी मजबूरी थी, हर तरफ से घर वालों का दबाव पड़ सकता था मुझे, और उस डर से तुमने अपनी बुजदिली दिखा दी। समीर, इस तरह तो तुम हीना को छोड़कर भी कभी मेरे नहीं हो सकते, इसीलिए मैं कहती हूं कि हमारे इस रिश्ते को इस मोड़ पर आकर खत्म हो जाना चाहिए। मुझे मेरी खुशियों से अलग मत करो, भूल जाओ कि मैंने हीना के साथ कोई समझौता भी किया था, प्लीज भूल जाओ। समीर, जब तुमने हीना के साथ शादी की थी तुम यही जज्बात लेके मेरे पास आए थे, तब मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। मैं दोबारा तुम्हें माफ क्यों करूं? मैंने ये साबित कर दिया है कि आज तक भी मैं हीना का नहीं हो सका, और दोबारा भी मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं हीना के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बना हूं। मैंने भी कभी तुम्हें कम प्यार नहीं किया और ना कभी ये चाहा कि तुम मेरे से जुदा हो जाओ। समीर, मैंने हर मोड पर अपने प्यार का इम्तिहान दिया है और कामयाब रही हूं, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। जब मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो, ऐसे मैं किसी भी इम्तिहान से गुजर सकता हूं। श्वेता और ये है रूबी, ओमेगा फाइनेंस कंपनी की चेयरपर्सन। मैं तुम्हारी हस्बैंड की क्या हूँ ये नहीं बताया अपनी सहेलियों को? इन लोगों को इससे क्या साबित करना चाहती हो तुम? वही जो मैं हूँ। तुम हो नहीं, तुम थी। इतना दावा है तुम्हें अपने आप पर? कल सूरज निकलेगा उससे भी कहीं ज्यादा। हीना, मुझे हमदर्दी है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा दावा कितना गलत है, बेबुनियाद है। मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। भूल जाओ अपना दावा, क्योंकि मैं समीर का प्यार हूं और समीर की मैं बीवी हूं। तुम धोखा दे रही हो अपने आप को, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। समीर को पाने के बाद और कुछ हासिल करने की तमन्ना ही नहीं रही। देखो हीना, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आई बल्कि तुम मेरे रास्ते में आई हो, इसलिए भूल जाओ कि समीर तुम्हारा हो सकता है। समीर से मेरा निकाह हो चुका है। वो तो एक समझौता है। समझौता तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए तो निकाह वो है जो एक मुकद्दस और पाकीजा रिश्ते को जोड़ता है। रिश्तों के बारे में मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं। समझोगी नहीं तो उनकी अहमियत का एहसास कैसे होगा तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती। मुझे भी कोई शौक नहीं है। तुम अपनी हद में रहो हीना। तुम अपनी हद भूल रही हो। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ। तो और जिसकी मालकिन हो वहाँ पे जाकर अपना रुआब दिखाओ। तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलने वाला। मैं तुम्हें देख लूंगी।
क्या हुआ है तुम्हें? ये जाके अपनी हीना से पूछो। मैं तुमसे पूछता हूँ, आखिर क्या किया उसने? उसने मेरी बेइज्जती की है। तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, हीना के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है यही मैं देखना चाहती थी, और तुम अपने इम्तिहान में कितने कामयाब हुए ये मैंने देख लिया। क्या बात है रूबी, क्यों अचानक कैसे चली गई? तो कुछ बोलता क्यों नहीं समझ? मुझे बिना पता रूबी चली कैसे जा सकती है? और तूने उसे रोका नहीं, तो खामोश क्यों समीर? तू कुछ बोलता क्यों नहीं समीर? क्या कहा तुमने रूबी से? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ, बस उसकी बातों का जवाब दिया मैंने। ऐसा क्या जवाब दिया तुमने कि वो गुस्से में चली गई? वो चली गई तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने इस तरह की बात क्यों की? तो मैं क्या करती? वो मेरे दिल पर वार करती गई और मैं चुप रहती? हाँ, तुम्हें चुपचाप सब कुछ सुनना चाहिए था। लेकिन क्यों? वो अपनी मनमानी करते रहे तो मैं क्यों चुप रहूं? और फिर आपको उससे क्या? वो नाराज होती है तो हुआ करे, गुस्सा करती है तो करने दीजिए। आपको उसकी फिक्र क्यों है? आपको तो मेरी फिक्र होनी चाहिए। Shut up, Samir! हीना, तुम जाके गाड़ी में बैठो, जाओ। समीर, ये सब क्या है? क्या हो गया तुझे? तू हीना पे हाथ उठा रहा है? इसलिए कि इसने रूबी के साथ बदतमीजी की है। अरे तो रूबी ने भी उसे कुछ कहा होगा। मैं रूबी के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता हूं। मगर क्यों? और हीना के लिए? समीर, हीना तेरी बीवी है, और तू रूबी के खिलाफ क्यों नहीं कुछ सुनना चाहता? इसलिए कि रूबी मेरा प्यार, मेरा मतलब है कि रूबी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सिर्फ बहुत अच्छी दोस्त है और कुछ? मत भूल कि उसी रूबी की वजह से तुम्हारा लोन सेंक्शन हो गया। तुझे एहसान मानना चाहिए उसका। अरे थूकता हूं मैं ऐसे लोन पे जो हीना के आंसुओं का बदला भी नहीं चुका सकते। थूकता हूं मैं ऐसे लोन पे। अकरम, तू अपनी हद भूल रहा है। तू बताएगा मुझे मेरी हद? तू बताएगा? अरे जो हीना के प्यार की हद को नहीं जान सका वो मुझे मेरी हद क्या बताएगा? मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। अब तो खुदा ही तेरा हाफिज है समीर। ये सब क्या है? मुझे मेरे प्यार के इम्तिहान में तुम कितना कामयाब देखो तो देखो। माफी मांगो। कैसी माफी? तुमने जो इसके साथ बदतमीजी की है उसकी माफी। जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी माफी मैं क्यों मांगूं? देखो ही ना, अगर रूबी ने तुम्हें माफ कर दिया तो समझो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर हो या ना हो, तुम्हें रूबी से माफी मांगनी ही पड़ेगी, बस। नहीं, कभी नहीं। तुम मेरा हुक्म टाल रही हो? मैं हक बात कह रही हूँ और आपका हुक्म बेजा है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह की बात करो, और वो भी रूबी के सामने? अगर आपको ठेस पहुंची है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी रूबी से मांगो, मांगो माफी। ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, रूबी तुम गवाह हो, मैं इसे तलाक देता हूँ।